हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट भी देखने वाले हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन का। क्वेश्चन है अपना एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सिक्स, एक्स प्लस फोर वाई प्लस सिक्स जेड इक्वल टू ट्वेंटी, एक्स प्लस फोर वाई प्लस लेमडा इंटू जेड बराबर म्यू। तो इस क्वेश्चन में हमें लेमडा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेमडा और म्यू की वैल्यू यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन की अप्रोच लगा करके। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमें कुछ ए एक्स इक्वल टू बी टाइप, कुछ इस टाइप का हमें यहाँ पर एक सिचुएशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, अगर इस टाइप का हमें मिलता है कहीं पर मैट्रिक्स देखने को, तो हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए निकालनी होती है। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का, इसे बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो हमें इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करना होता है, इसकी रैंक निकालनी होती है और इसकी रैंक निकालनी होती है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि अगर इसमें इन दोनों की रैंक बराबर हो जाती है तब क्या मिलेगा। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए और बी बराबर हो जाता है तब क्या होगा। ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों की अगर रैंक बराबर आती तो यहाँ पर होता है कंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी। और अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए डज नॉट इक्वल टू द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए और बी नहीं बराबर, तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस मिलेंगी। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ और देखने को आपको मिलेगी, इक्वेशन की कंसिस्टेंसी में पता चल गई है इक्वेशन अपनी कंसिस्टेंस है या फिर नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, यहाँ पर जो है मैट्रिक्स ए मिलेगा उसकी रैंक बराबर है नंबर ऑफ अननोन के, नंबर ऑफ अननोन्स। या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं नंबर ऑफ अननोन के बराबर नहीं, या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बराबर है। तब क्या होने वाला है, अगर मैट्रिक्स ए की रैंक नंबर ऑफ अननोन के बराबर है तो यहाँ पर बोलेंगे इसका सोल्यूशन जो है यूनिक सोल्यूशन होने वाला है। इसका सोल्यूशन होगा यूनिक, या फिर बोल सकते हैं वन पॉइंट सोल्यूशन। कह सकते हैं वन पॉइंट सोल्यूशन। और अगर इसकी वैल्यू जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमने निकाला इसकी वैल्यू लेस देन है नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स से लेस देन है, तो यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर किस तरह का सोल्यूशन है, यहाँ पर बोलेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन है। यहाँ पर इसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो सकते हैं। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं, जो अभी हमने बात करी है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर निकल आई है, तो हमें मिला है कि इक्वेशंस अपनी कंसिस्टेंट हैं। और अगर मैट्रिक्स ए की जो रैंक है नंबर ऑफ अननोन से कम है तो यहाँ पर बोलेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन है। और अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन्स, कह सकते हैं नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है, तो यहाँ पर बोलेंगे ये वन पॉइंट सोल्यूशन है। वन पॉइंट सोल्यूशन को हम बोलते हैं ट्राइवल सोल्यूशन, ट्राइवल सोल्यूशन। और इसी को ही हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन।
और यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन है, कह सकते हैं कि अगर हमें 3x3 का मैट्रिक्स मिल रहा है, हमें 3x3 का मैट्रिक्स मिल रहा है और हमने उस देख लिया कि उसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उसकी रैंक जो है 3 तो हो ही नहीं सकती, 3 से कम होगी उसकी रैंक, 3 हो ही नहीं सकती, 3 से कम होगी मतलब उसकी रैंक 2 होगी। जब उसकी रैंक 2 होगी यहाँ पर हम कहेंगे ये इसका जो सोल्यूशन है इनफाइनाइट सोल्यूशन है। जब इनफाइनाइट सोल्यूशन जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन जाएगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन को हम बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं उसका डिटर्मिनेंट निकाल करके। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आता तो कहेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन है, और उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आता है, डज नॉट इक्वल टू 0, तो उसे बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन है। तो चलिए इसे बोला हमने ट्राइबल, और इनफाइनाइट सोल्यूशन को हम बोलेंगे नॉन ट्राइबल सोल्यूशन। ठीक है, चलिए अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, इसकी मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लेते हैं 1 1 1 1 4 6 1 4 लेमडा यहाँ पर मिलेगा, और बीच में कुछ इस तरह से ये लाइन बना देते हैं, और 620 म्यू यहाँ पर कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, 1 1 1 और यहाँ पर 6 ले लेंगे, और 1 4 6 20 ये मिलेगा, 1 4 लेमडा माइनस 6 और म्यू माइनस 20 यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने R3 को चेंज किया है, किस तरह से R3 माइनस R2 बोल करके। अगर हमें यहाँ पर चाहिए है, हम यहाँ पर तीनों अपनी सिचुएशंस को अप्लाई करके देखते हैं कि नो सोल्यूशन होगा तब हमें क्या करना है, नो सोल्यूशन होगा तब उस सिचुएशन में हमको लेना क्या है। उस सिचुएशन में हमको लेना है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए शुड नॉट इक्वल टू द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, हमें यह करना है। तो देखिए यहाँ तक का मैट्रिक्स अपना ए मैट्रिक्स मिलेगा, और पूरा मैट्रिक्स अगर देखेंगे तो ये मैट्रिक्स मिल जाएगा क्या, ए और बी, पूरा मैट्रिक्स हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिलेगा ए और बी, और इतना मैट्रिक्स रहेगा मैट्रिक्स ए। तो हम देख सकते हैं ना कि अगर ये पूरी लाइन अपनी जीरो हो जाएगी, अगर ये लाइन अपनी पूरी जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि इस पूरे मैट्रिक्स की वैल्यू, पूरे मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 2 आएगी। तो हमें चाहिए कि हमें इतने पोर्शन की रैंक हमें 0 लेस देन 3 चाहिए है, और पूरे अगर मैट्रिक्स की बात करें इसकी रैंक हमें कितनी मिल जाए, इसकी रैंक हमें मिल जाए 3, कुछ इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें हम रैंक को जानते हैं ना कि रैंक, व्हाट इज़ द रैंक, रैंक इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो एंड कॉलम। तो देखिए हमें इस वाली लाइन को 0 करना है, इसका मतलब क्या है, हमें इस वाली लाइन को 0 करना है, तो हम कह सकते हैं लेमडा माइनस 6 इक्वल टू द 0। तो लेमडा इक्वल टू, अगर हम 6 यहाँ पर ले लेंगे, अगर हम लेमडा इक्वल टू 6 यहाँ पर ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो लेमडा बराबर 6 अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो 1 4 6 हमें मिल रहा है ना, तो यहाँ से कह सकते हैं कि इस वाले मैट्रिक्स में हम करेंगे R3 माइनस R2, और हमें इस वाले पोर्शन की वैल्यू 1 1 1 1 4 6, अब यहाँ पर ये चीज़ मिलने वाली 0। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो मैट्रिक्स हमारा ए है इसकी रैंक हो जाएगी 2, और जो ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमें मिलेगा ए और बी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी रैंक हो जाएगी 3। चलिए ठीक है, देखते हैं अब हम, अगर ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं, इनका हमें सोल्यूशन मिलेगा तो कितना सोल्यूशन मिल सकता है। अगर सोल्यूशन मिलेगा तो उसके लिए हमें इसकी वैल्यू क्या क्या लेनी होगी, हमारा मैट्रिक्स का वही फॉर्मेट है 1 1 1 और इधर 6, 1 4 6 20, 1 4 लेमडा माइनस 6 और म्यू माइनस 20, हमें कुछ यही मिला है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें मिला कि जब हम नो सोल्यूशन की बात करेंगे, नो सोल्यूशन तो वहाँ पर क्या है ना कि वहाँ पर लेमडा की वैल्यू हमें 6 मिल जाए और म्यू की वैल्यू 20 ना मिले, म्यू की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 20, ये चीज़ हो सकती है। और जब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशंस की, हम देख लेते हैं कि ये इक्वेशंस क्या हैं, कंसिस्टेंट हैं, हम देख लेते हैं कि इक्वेशंस जो हैं अपनी कंसिस्टेंट हैं, तब इस सिचुएशन में हमें क्या मिलना चाहिए,
कंसिस्टेंट कह सकते हैं, इक्वेशन अपनी कंसिस्टेंट है तो हमें क्या मिलना चाहिए, मतलब लेमडा बराबर 6 और म्यू बराबर 20। लेमडा बराबर 6 और म्यू बराबर 20 मिलेगा ना, तो हम यहाँ से लेमडा माइनस 6 बराबर 0 कर दीजिए, म्यू बराबर म्यू माइनस 20 बराबर 0 कर दीजिए, यहाँ पर लेमडा और म्यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6, 20। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इक्वेशन अपनी कंसिस्टेंट है, मतलब यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए और बी, यहाँ पर दोनों की रैंक 2 के बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, दिस फॉलो द इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। इसी सिचुएशन हम देख सकते हैं कि हमें यूनिक सोल्यूशन कब मिलना चाहिए, अभी जैसा आपको बताया है कि यूनिक सोल्यूशन हमको कब मिलता है, जैसा कि अभी हमने देखा हमें यूनिक सोल्यूशन कब मिलेगा, जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो जाएगी हमारी मैट्रिक्स ए की रैंक, तो हम वहाँ पर क्या कहेंगे, हम किसे कहेंगे, यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, तो नंबर ऑफ अननोन हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास क्या एक्स वाई जेड, हमारे पास अननोन है, हमारे पास अननोन 3 है, अगर हमारे मैट्रिक्स की जो रैंक है अगर 3 के बराबर आ जाएगी तो हम बोलेंगे यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन है, और एक्स हमारी रैंक की इस मैट्रिक्स की रैंक 3 कब आएगी, जब लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 6 और म्यू डज नॉट इक्वल टू 20। तो यहाँ पर हमें तीनों सिचुएशंस मिल गई हैं, हमें यहाँ पर तीनों सिचुएशंस मिल गई हैं जब हमने बात करी थी इनफाइनाइट सोल्यूशन, कब होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन तब होगा जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मतलब क्या है कि अननोन हमारे पास 3 है, इसकी रैंक 2 आनी चाहिए, तो अगर हम लैम्डा बराबर 6 और म्यू बराबर 20 रख देंगे तो इसकी रैंक 2 आ जाएगी, मतलब ये पूरी लाइन 0 हो जाएगी, कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो और कॉलम मिलने वाला है क्या, 2। इनफाइनाइट सोल्यूशन वाली बात हो गई, हम बात करें यूनिक सोल्यूशन जो हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन हमारे पास 3 थे, इनके बराबर हो गई, तो लैम्डा डज नॉट इक्वल टू द 6 और म्यू डज नॉट इक्वल टू 20, यहाँ पर हमें ये चीज़ मिलने वाली है, तो हम बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन है। और एक बात और कर लेते हैं, नो सोल्यूशन की बात रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए शुड नॉट इक्वल टू द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और बी, तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने मैट्रिक्स ए की जो है रैंक कर दी थी 2, यहाँ पर हम ले लिया था लैम्डा इक्वल टू 6, और यहाँ पर हमने मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए और बी मिला था, हमने इसकी रैंक कर दी थी यहाँ पर 3, यहाँ पर हमने म्यू कर दिया था डज नॉट इक्वल टू 20। ओके, थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही।